हिस्ट्री शीटर बदमाश कर रहे हैं दबंगई, पीड़ित का कर दिया है घर पर जीना मुहाल, जान से मार देने की दी जा रही है धमकी। खबर सुल्तानपुर से, जहां आज दिनांक 6/8/2020 को कादीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गांव में अपने घर के सामने झाड़ू लगा रही युवती को आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने घर में घुसकर जबरन लाठी डंडा फरसा भल्लम व धारदार हथियार से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जब पीड़ित ने हल्ला गुहार लगाया तो कुछ गांव के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन इसके बाद भी विपक्षियों ने मारना पीटना बंद नहीं किया और मारपीट का लहूलुहान कर दिया। गुहार सुनकर आसपास और लोग मौके पर बचाने के लिए उस महिला के पास पहुंचे। इतने में उस महिला का भाई भी दौड़ा तो भाई को भी उक्त लोगों ने धारदार हथियार से मारकर घायल कर दिया। इस सबको देख डायल 112 ने तत्काल कुछ पुलिस टीम को और बुला ली। तत्पश्चात कोतवाली कादीपुर को फोन कर घटना से अवगत कराया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस फोर्स ने घायलों को इलाज के लिए कादीपुर CHC भेजवाया। बताते चले कि इसके बाद पीड़ित राधेश्याम ने घटना की तहरीर कादीपुर कोतवाली में जाकर पूरी घटना से अवगत कराया और तहरीर दी। इसके बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने 30 जुलाई को क्षेत्र अधिकारी कादीपुर से न्याय की गुहार लगाई, तो वहीं क्षेत्र अधिकारी ने कोतवाल कादीपुर को जांच कर कार्यवाही करने का आदेश दिया। लेकिन आज तक कादीपुर कोतवाल ने उन बदमाश दबंगों को बचाने में ही लगे हुए हैं। शायद कादीपुर कोतवाली पुलिस को किसी बड़ी घटना का इंतजार है। पीड़ित परिवार पूरी तरह से भयभीत है, जान माल का खतरा बराबर बना हुआ है, किसी भी समय कोई अप्रिय घटना घट सकती है। मैं विनोद कुमार चतुर्वेदी, ग्राम लक्ष्मणपुर पोस्ट कादीपुर, जिला सुल्तानपुर का एक साफ सुथरा नागरिक हूँ और मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है दर्ज है कादीपुर। और 2 तारीख में हमारे पड़ोसी श्री रमाकांत मिश्रा द्वारा मेरे घर पे जबरन हमला किया गया। मेरे घर में घुस के मेरी बहन को मारे हैं, मेरी माता जी को मारे हैं, मेरे भाई श्री राधेश्याम को मारे हैं, मेरे पुत्र शिवा को मारे हैं। ये लोग घर में घुस के लाठी डंडा फरसा और पिस्टल रिवाल्वर से हमला किए हैं, जिसकी रिपोर्ट मैं कादीपुर कोतवाली में दिया। 112 नंबर फ़ोन किया, उसके बाद SDM कादीपुर से मैंने FIR करने के लिए आदेश करा के SHO कादीपुर श्री KK मिश्रा को दे दिया। अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई, केवल NCR लिखा गया। और ये लोग मेरे घर पे पेड़ पौधा जितने लगे थे सब उखाड़ फेंक दिए हैं और रास्ता मेरा बंद कर दिए थे, आने जाने में कठिनाई हो रही थी। रमाकांत मिश्रा यहाँ के हिस्ट्री सीटर बदमाश हैं लक्ष्मणपुर के, और भूमाफिया भी हैं, जिन्होंने कई लाखों की संपत्ति की जमीन बंजर 283 नंबर सड़क रोड के किनारे कब्जा कर रखा है और उस पर DM सुल्तानपुर श्री अनुराग श्रीवास्तव ने बेदखली कर दिया है, जुर्माना भी अदा कर दिए हैं ये लोग और उस पर 122 भी चली है, फिर भी ये लोग उस पर कब्जा बार बार कर ले रहे हैं। 2-3 बार तहसीलदार द्वारा कब्जा हटाया गया, फिर उसी ज़मीन को कब्जा कर लेते हैं रोड किनारे। और ये लोग 14 मई 2014 को मेरे घर पर एक रास्ता बनाया गया, जो श्री धनलक्ष्मी DM की अनुमति से, श्री नलनीकांत SDM कादीपुर के आदेश से, श्री विपिन द्विवेदी मंडलायुक्त फैजाबाद के आदेश से निर्माण शुरू किया गया। पहले 2 थाने लगे थे, ये लोग पुलिस पर पथराव कर दिए। नायब श्री विवेक सिंह आए, जो पूर्व में अभी इस बार हो गए हैं, वो उनके ऊपर हमला कर दिए, वो भाग गए फिर छोड़ के। तब इसी बेस पे ये लोग 8 थाना लगाया गया कादीपुर से, और ये निर्देशित कर दिया गया ऊपर से आला अफसरों द्वारा कि जिले की जितनी फोर्स सब लगा दो। और ये लोग उसके जैसे रास्ता बनना शुरू हुआ, पुलिस के ऊपर पथराव कर दिए और CO और SDM कादीपुर को मार दिए, श्री राम विलास श्री राकेश सिंह को पत्थर से, उसके बाद अपने घर में ही आग लगा दिए पुलिस को फंसाने के लिए। फिर ऐसा हुआ, ये लोग पत्थरबाजी किए 2 घंटा तक, फिर इनका पत्थर ख़त्म हो गया, फिर इनके ऊपर पुलिस ने अपना इनको बंद करके उस पर रास्ता ही निर्माण हुआ, जो रास्ता मेरा DM द्वारा अनुमति मिली है सुल्तानपुर से, उसके सारे पेपर मेरे पास हैं रिकॉर्ड में। और ये लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनके ऊपर जिला बदर गुंडा एक सब धाराएँ लगी हैं और इनके ऊपर कम से कम 200 मुकदमा कादीपुर में दर्ज है FIR।
और ये लोग हमेशा हमको हम लोग बाहरी आदमी हैं, यहाँ के बस गए हैं, लोग हम लोग हमेशा परेशान करते रहते हैं। 20-30 साल हो गया हम लोग इनसे पीड़ित। अतः मैं श्री जिलाधिकारी महोदय से न्याय चाहता हूँ और इनके खिलाफ़ कठोर कठोर कार्रवाई की जाए।